चीनी के बाद अगला नंबर आता है नमक का। नमक की मात्रा शरीर में ज्यादा होने से हाइपोटेंशन की परेशानी हो सकती है, नसों को कमजोर तो करती है ही, दिल पर भी इसका असर होता है और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में ब्लड प्रेशर कैसे नॉर्मल रखें और खाने में कौन से नमक का कितनी मात्रा में इस्तेमाल करें? देखो, एक तो लौकी रखी हुई है यहाँ, खकड़ी, ककड़ी है, खीरा है, टमाटर है, ये तो सलाद लें, कद्दू का जूस भी है, लौकी का जूस भी है, और लौकी के जूस में थोड़ा सा धनिया, पुदीना और थोड़ा नींबू डाल के पी सकते हो, इतना स्वादिष्ट लगता है, उसके बराबर कोई दूसरा जूस है ही नहीं। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाए तो मुक्तावटी या बीपी ग्रिड दो दो गोली खिला देते हैं, मेधा क्वाथ का पानी भी पिला देते हैं, सौंफ का पानी पिला देते हैं, मिट्टी पट्टी भी पेट पे रखते हैं, वाटर थेरापी, मड थेरापी, ज़्यादा देर तक पानी से स्नान करवाते हैं, सिरोधारा करा देते हैं पानी से, ऐसे फवारे के नीचे बैठा देते हैं, आजकल लोगों के हर घर के अंदर भी जो है ये शावर लगा हुआ है। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम और शीतली शीतकारी, ये तो इसका यौगिक उपाय है। वाटर थेरापी, मड थेरापी, ये इसका नेचुरोपैथी का उपाय है। ये लौकी का जूस तो रामबाण है, दो टाइम पी ले, पहले ही दिन से मैं बीपी की दवाइयां बंद कर देता हूं। और जेनेटिक बीपी, आप में से तो किसी को बीपी नहीं था, 1 2 3 4 और अभी क्या हाल है, अब सबका नॉर्मल आ गया, 5 के 5 के लिए ताली बजा दो, अब यही प्रमाण है, 5 खड़े हो जाओ यही। ये देखो, इसको भी बीपी था, छोटी बिटिया को भी, बड़ी बिटिया को भी, भाई साहब को भी, और इन्हें तो जो है वो बीपी के ठीक होने के साथ साथ तमाकू और शराब दोनों चीजें भी छोड़ दी। चलो, जोरदार अभिनंदन। और किसी को जेनेटिक तो नहीं था माता पिता से, इसको जेनेटिक था, किसी दवा से भी कंट्रोल नहीं आ रहा था, तीन गोली बीपी की खाती थी, किसी आए माँ से आया था, सबको था, माता पिता, दादा दादी, बुआ, सबको था, और राम 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 पूरे कुनबे को। और अब कितना आ गया, अब पहली बार योगग्राम में आके मेरा 128 और 78 आया। क्या बात है, 128 और 78 पहली बार, नहीं तो कितना रहता था दवा खा के, दवा खा के भी 140 और 90 रहता। लो, क्या नाम है, राशि, कहाँ से हो, फरीदाबाद से, फरीदाबाद से, चलो बहुत आशीर्वाद। ये अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी करो सब, ओम और शीतली शीतकारी। अच्छा स्वामी जी, देखिए चीनी नमक की बात हो गई है, ज्योत्सना जी जी, और